रैप आज के यूथ की आवाज है। आज हिप हॉप एंड रैप म्यूजिक ग्लोबली नंबर वन। Rap is like a superpower. In that moment, you're the best version of yourself. मुझे नहीं लगता कि अब रैप म्यूजिक को कोई रोक पाएगा। जैसे मेहनत जरूरी है काबिल बनने के लिए, वैसे हसल जरूरी है कुछ हासिल करने के लिए। टीवी हसल के पिछले एपिसोड में रैपर्स ने दिए अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। जहां कुछ रैपर्स हुए लिस्ट में शामिल। शुरू किया मैंने रैपिंग 2016 में, जानता क्या कुछ भी तू बोल, हर दिन वक्त भारत उठाने का। वहीं एक्ट सी और किंग को मिली डायरेक्ट एंट्री इन टॉप 15। मैंने माना तेरे यार सा अमीर नहीं पर सारे मेरे भाई खड़े टॉप 15 में। Now, let's see who makes it to the list today. Are you guys ready? Should we bring out the next contestant? All right, come on out. Let's see what you got. क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम आरसीआर है। आरसीआर आप कहाँ से आए हैं? जी सर मैं बेसिकली अमृतसर पंजाब से हूँ, बट अभी मैं मुंबई में रह रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक पीजी में रह रहा हूँ। आपका हिप हॉप में कैसे आना हुआ? सर जब मैं 10th में था, वी म्यूजिक करके चैनल था, एमिनम का रैप चल रहा था लूज योर सेल्फ, तो मैंने जब उसको सुना तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई। तो मतलब वो एकदम कनेक्ट की मुझे चीज़, तो यही करना मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ। तो उस दौरान फिर मैं गया गिटार सीखने, तो वहाँ ट्विंकल राजपूत टीचर हैं हमारे, तो उनका बैंड था वहाँ पे लोकल, तो उनके बैंड में मैंने कहा कि मैं रैप करना चाहता हूँ बट मुझे करना नहीं आता। तो उन्होंने बोला मुझे कि रैप खुद लिखते हैं तो फिर होता है, तो मुझे तो लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने बोला कल तू लिख के लाएगा नहीं तो अकेडमी मत आना। तो उस दिन पहली रात में मैंने रैप लिखा, रात को 12 बजे बैठा, 4 बजे उठा फिर मैं। आपके गुरु जी के लिए आज क्या सुनाने वाले हो? आज सर मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि जो एक रैप आर्टिस्ट है या एक इंसान है, जो वो महसूस करता, जो वो किसी को बातें बता नहीं सकता, कि लोग वो समझ नहीं सकते उस चीज़ को, तो दिल की बातें हैं, गहरी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, तो बस यही है। बिग लव बीरे, फिर चलिए फिर सीधा बीट पे। ठीक है जी, बीट ला दो भाई। इंसान के दिल में बहुत कुछ होता है जो वो किसी को बता नहीं सकता, और कुछ चीज़ें बयां करने के लिए शब्द ही नहीं होते। इसे मैं रैप नहीं कहूँगा, ये एक दिल का गुब्बार है जो मुद्दत से दिल में था। जब आपको कोई समझ नहीं पाता, जब आप स्ट्रगलिंग के दौर में होते हो और नाकामयाबी, बेबसी, बेकरारी, लफ्जों पे गौर कीजिए। समझ से मैं पारे हूँ, ना सोचो मेरे बारे, बदले में मिली लात जिनको दिए सहारे, स्टार लाइफ में भाई बन के साथ थे मेरे, आज वक्त ने हक में तो छोड़ गए सारे। क्या हुआ जो किसी ने भी सुना मेरा गाना नहीं, क्या हुआ जो मुंबई में मेरा कोई ठिकाना नहीं, मुसीबत में अपनों ने फोन किए बंद, क्या हुआ जो 2 दिन से खाया मैंने खाना नहीं, गरीबी में आंखों ने समंदर भर लिया, जो किताबें ना सिखाएं मैंने वो पढ़ लिया, 14 अक्टूबर जन्मदिन के चलते कोई पार्टी ना मांग ले फोन ऑफ कर लिया, आलम एक गम अब सीखा नहीं जाता, खुशियों के लिए और बिका नहीं जाता, खुश हूँ यारों जिस हाल में भी हूँ, तजुर्बा दर्द और लिखा नहीं जाता, आसान नहीं होता सब पाके सब गवाना, आसान नहीं होता खुद रोके सबको हंसाना, झूठ तो जुबान पे अब सच की तरह है, आसान नहीं होता टूट के खुश हूँ बताना, ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया, ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया, ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया, ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में। नाकामयाबी का मुझसे रिश्ता पुराना है, पूरा वक्त माँ कसम मेरा ही दीवाना है, ऐ देने वाले जरा देख एक नजर मेरे पास, नहीं पैसे इलाज
इलाज माँ का कराना है। आंखों में आंसू लिया भीड़ में अकेला, सब देख रहे तमाशा जैसे लगा कोई मेला। शब्दों से बयां ना होगी दास्तां जिंदगी, कोई झेल ना पाए कसम से जो मैंने झेला। मेरी बात तुमको जो लगती है झूठी तो झूठी बातें रहने दो, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे कुत्ते बमरने दो और मुझे सहने दो। रोता रहा चद्दर में देखे सर सबके सामने हंसता रहा, जहर ही जहर था हर एक पल दर्दों का सांप डसता रहा। देने को दिलासा मुझे आते थे सब दिया सहारा मुझे किसी ने, तब पत्थर से मजहब ठोकर लगाते थे पिता जो मुझे बचाता। रब नसीहत देने वाले यहाँ आम दिख जाते हैं, साथ देने वाले लोग नजर कहाँ आते हैं। भरोसे पे भी अब भरोसा ना रहा, दाम बढ़ा के देखो तो इंसान बिक जाते हैं। अकेला ऊपर मेरा रब मेरे साथ है, गाड़ू गायल होके मुझमें शेरों सी बात है। राजा था कल आगे भी राजा रहूंगा, हालात मुझे तोड़ दे इनकी इतनी ना औकात है। भूखा रहा मगर कभी हाथ ना फैलाया, पहने दिए घाव कभी मलम ना लगाया। पड़ता ना फर्क अब पत्थर है सीना, शुक्रिया मदद करने कोई सामने ना आया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। ये दिल चुपचाप हजारों गम सह गया, कुछ तो था दिल में जो दिल में ही रह गया। जो दिल में ही रह गया, हजारों गम सह गया, दिल में ही रह गया। ऊपर मेरा रब मेरे साथ है, गाड़ू गायल होके मुझमें शेरों सी बात है। राजा था कल आगे भी राजा रहूंगा, हालात मुझे तोड़ देंगे इतनी ना औकात है। भूखा रहा मगर कभी हाथ ना फैलाया, पहने दिए घाव कभी मलम ना लगाया। सर मैं आपके कमेंट से पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि जिस पीजी में मैं रहता हूँ उसके जो मेरे रूममेट्स हैं वो आज मुझे सुनने के लिए आए हैं और वो यही है, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। यार तूने तो रूममेट बोला था, तू तो पूरा फ्लैट लेके आया है। अरे इसको ना बोलेंगे तो पीट देगा भाई सारे। आप सब एक उसमें रहते हो? जी सर। जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे मैं एक पीजी में आया जहाँ 25-30 लोग एक कमरे में रहते हैं। शुरू शुरू में मुझे ऑकवर्ड फील होता था बहुत, मतलब मैं रैप कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा। बट धीरे धीरे जब मैं यहाँ पे रहने लगा तो मुझे यहाँ पे फैमिली जैसा फील होने लगा। जिसको भी मैं अपना रैप सुनाने लगा धीरे धीरे सबको मतलब बहुत अच्छा लगा कि यार हमारे साथ एक रैपर रहता है। मैं लिरिक्स लिखता हूँ, एड्स करता हूँ, लोगों के लिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो मैं मुंबई में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने मम्मा पापा के चेहरे में स्माइल देखना चाहता हूँ, उनको प्राउड फील कराना चाहता हूँ। उन्होंने जितना स्ट्रगल किया वो मेरी एक कामयाबी से उड़ जाए ऐसे करके वो खुश हो जाए। Wow, man. Okay, तो अब जब सब आया तो सबको लाल लाइटों में खड़ा कर देता हूँ एक बारी में। इफेक्ट आना चाहिए ना थोड़ा। पहले ये बताइए कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है यहाँ पे? उसी ने माइक पकड़ा हुआ पहले, कह रहा तू ही पकड़ियो भाई, तू ही बचाएगा। ठीक है, इसके बारे में बताओ आप यार। यही कहना चाहूंगा, एंटरटेनमेंट की दुकान है ये, सैटरडे संडे फ्राइडे हमारा इसी से ही गुजरता है। सबको बिठाएगा, रैप सुनाएगा, बट एक चीज और है कि हमें रूम में सुनाता है और गर्ल्स को पार्क में ले जाके। वो आज तक नहीं समझ में आया ऐसा क्यों करता है ये लोग। बेटा दोस्तों से धोखा और बाहर हवा का झोंका। सर बस मजाक अपना। हाँ चलता है यार, सारे करते हैं हरकतें। क्या कहते हो नेजी भाई? तुम्हारी आवाज बहुत स्ट्रांग है और तुम मुंह खोले वैसी मालूम पड़ा गया, यहाँ ईट बरस रही है और तुम कड़क हो भाई, मुझे मजा आया। सर आपने बहुत बड़ी बात कर दी। You had a vibe that I wasn't sure what to expect, but as soon as you opened your mouth, it was like the strong character came through and I could tell it was you and you have your own voice. That's so rare. It was very, very good. Thank you.
ऐसा कहते हैं कि म्यूजिक होता है ना, वो जो दो नोट्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको म्यूजिक कहते हैं. आज आपने जो किया, आपने एग्जैक्टली वो किया. द वे यू वर फ्लोइंग ऑन टॉप ऑफ द बीट, मेरे को बहुत मजा आया. एंड यू गेव द राइट स्पेसेस ऑल्सो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी कूल मैन. थैंक यू सर. थैंक यू मैन. तू तराशा हुआ है ऑलरेडी. तूने अपने आप पे मेहनत करी और वो दिख रहा है. मैं इसमें ना कोई गलती निकालूंगा, ना कोई सुधार डालूंगा. जो तू है वो ही रहे. और मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस स्टेज को तेरी जरूरत है. तो मेरी तरफ से ना, तू पक्का शॉर्टलिस्टेड है ब्रो, 101%. बाकी न्यूक्लियर भाई, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा. रफ्तार के साथ मैं सहमत हूँ, मेरी तरफ से भी हाँ है. थैंक यू. थैंक यू. If my two brothers right here are going to shortlist you, then I will also shortlist thank you. Thank you. मुझे इसलिए हाँ बोलना है क्योंकि आपके अंदर का जो स्पिरिट है वो बहुत पावरफुल स्पिरिट है. जो आपने किया आज मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हाँ है. थैंक यू सर. थैंक यू. मजा आया ना एक बारी में पता लगाना कितना पैशन है, कितनी कहानी है और कितनी बातें हैं बोलने के लिए और कितनी सच्चाई है. तो अगले पे चले सीधा. मेरा नाम गौरव है और मेरा स्टेज नेम वॉइड है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूं. मैं बेसिकली हिप हॉप डांस टीचर हूं. मुझे बचपन से ही रैपिंग और डांस दोनों का पैशन था. तो कुछ साल पहले मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन लिया और मैंने अपनी डांसिंग करियर को साइड करके रैप फिर से करना शुरू कर दिया. वो सब थोड़ा साइड करके अगेन आई हैव टू गो थ्रू द सेम जर्नी. तो मुझे पता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है, इसलिए मैं हसल में आया हूं. एंड मैं सब कुछ साइड करके आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम अगेन एंड I'm ready for the hustle. Hey, hey, hey! What up, what up? All good, all good. How are you guys doing? How are you? I'm great, I'm great, I'm great, I'm great. I'm great. Hey. मैं तेरे को गौरव बुलाऊंगा क्योंकि मैं गौरव के नाम से जानता हूं. बिफोर वी बिगिन न्यूक्लियर भैया, बहुत साल पहले 2013 में आई बिलीव राइट, हमने एक म्यूजिक वीडियो किया था साथ में जहां गौरव ने कोरियोग्राफ किया था. उस गाने का नाम था हैप्पी सिंगल. इट वाज गौरव एंड चांदनी हु डिड इट. और ये मेरे साथ उस वीडियो में डांस भी कर रहे हैं. उसके बाद राजा कुमारी का कम अप टूर गौरव ने कोरियोग्राफ किया था. तो कोरियोग्राफर भी हो आप? Yes, choreographer भी हूँ. Oh, lovely. That's nice. Yes. गौरव मेरे भाई, हम लोग जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो हम लोग बड़ा मेंटर करते हैं वहाँ पे खड़े हुए लोगों को. और तू मुझे बता रहा है कि तूने इन लोगों को सिखाया है. यार मुझे जानना है क्या सिखाया है. I have a better idea. Okay. हमने तो सीख लिया है, कुछ आप नया क्यों नहीं सीखते? Oh. Of course. Yeah. That would be something different क्योंकि हमारी वीडियोस तो लोग ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं ना कि गौरव ने हमें क्या कराया है. पर वो आपको क्या करा सकता है देखने में बहुत मजा आएगा. ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बस अब इकट्ठे चलते हैं. चलो. Yes. ये बेस्ट है. निधि दबा. Can I have Galen on stage, please? Yeah. भाई ना सब दिल्ली में चल रहा है. बॉम्बे की पब्लिक एक बार और तालियां बजा डालो.
मैं एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ इसके बारे में. ये बहुत सालों से मेरे को जानता है, बहुत सालों से हम टच में भी हैं, नंबर है हमारा एक दूसरे के पास. कुछ ये अच्छा करता है तो मैं इसको मैसेज करता हूँ, मेरा कुछ रिलीज होता है मेरे को मैसेज करता है. तो इट्स दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वी हैव. पर पूरे उस जर्नी में, उस पूरे टाइम, इतने सालों में इसने कभी मेरे से जिक्र नहीं किया कि मैं रैप करता हूँ भाई, मेरा कुछ सुन लो या मेरा रिकॉर्ड करा दो या मेरा कुछ पोस्ट कर दो या कुछ भी, एनीथिंग. नो फेवर्स, नेवर. सो दैट इज समथिंग दैट टेल्स अस दैट यू आर सेल्फ मेड. थैंक यू सो मच. Which is a very big deal, Kyunki bro, you are bahut hard, bahut hard. thank you so much. Londa say yeah. To seedha kaam pe aate hain, theek hai. Let's play the beat, guys. Gravity. बिजली अगर प्यार फोन कभी भी मिला ले, वॉइड मेरा नाम, मैं स्ट्रेट आउट ऑफ हिमालय. मेरे सारे जीतने के रीजंस गिना ले, पहला एपिसोड यहाँ पे लगे सीजन फिनाले. रैपिंग का ये वर्ल्ड कप है, कहाँ मेरी ट्रॉफी है, मन में मेरे राइम्स, सर पे तेरे टोपी है. कुछ रैपर्स मैंने देखे बहुत ज्यादा फोनी है, स्टंप होने वाले तेरा भाई धोनी है. कल सीधा साधा आज मैं हूं विलन, भाई से मैं बोलूं ब्रो ब्रो वेयर विनिंग. यू सी ए टी-शर्ट और पैंट्स मेरी लिनन, एक ही लव स्टोरी है दैट आई हैव एवर बीन इन. और नए फ्लोस डाउन जैसे फैशन लाइक रणवीर सिंह, भाई लोग रात में बिठा के बोले वीर सिंह. दिल से प्यार करता कुछ लोगों से तो जान, people who me I turn into Kabir Singh. Turn into Kabir, ye trailer abhi show nahi start. Vision ko main life do, main Tony Stark. Hasaun kyu tujhe meri rasal, asal mein main fasal kaat chuka, dekh meri nasal. Tere jaise rapper ro ke liye puzzle, ga rahi hai ghazal. Cheen nahi sakte mujhse, wo hai mera hustle. Gravity. उठना चाहूं पर ये ग्रेविटी, दोस्त मेरे सोचे इनसैनिटी. एल्बम एक हफ्ते में लिख दूं ऐसी कैपेसिटी. हर रात बैठे नए शब्दों और नए फ्लो को मैं ढूंढ रहा, गैलेक्सी में खोला नया पोर्टल उसमें कूद रहा. तू है अली बाबा क्योंकि सबका फ्लो तो लूट रहा, फिर भी फ्लो इतना पुराना जैसे कामा सूत्रा. जैसे तो रिवाज मेरे दिल में अपने वास, होठों में है नशा मेरे हाथों में वाजिम की बोलती की छोड़ ले वहां से, सुर यहां आए तो खत्म. गैंग्स ऑफ वासे पर रैप का ये ब्लंट, सब ने फूंक लिया, दिखने लगी बेस रानी वो लूट लिया. लॉन्च ऑफ द बीट, सिट ऑन द सीट, रैप का मैं डाकू और थोन मैंने लूट लिया. रैपर्स कितने यहां, एक दो तीन, फेक नो टीम, डिस्ट्रॉय करे दे गो स्क्रीम, केक नो क्रीम. Punches about the week, do they take protein? Zindagi, kahan hai ghumari? Kal jo aag, usse hai bujhari. Kal uski baari thi, aaj hai tumhari. Believe in you like Raja Kumari. Dil se pyar hoon, phone bhi mila le. Void mera naam, main straight out of Himalay. Mere saare jeetne ke reasons gina le. Pehla episode, season finale. Gravity. उठना चाहूं पर ये ग्रेविटी, दोस्त मेरे सोचे इनसैनिटी. एल्बम एक हफ्ते में लिख दू वॉइस. या तेरे रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं, मेरे को तेरे रेफरेंसेस बहुत अच्छे लगे. आप नाचते हो तो आपको ग्रूव का ज्ञान भी है, यू स्टिक टू द बीट व्हेन यू रैप. मुझे भी बहुत सही लगा जिस तरह से तुमने मेटाफोर्स और सिमिलीज का इस्तेमाल किया, जो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया, और बहुत सारी चीजें पसंद आई. जो तुम कोशिश कर रहे हो वो कोशिश तुम्हारी नजर आ रही है, वो मेरे को मजा आया. थैंक यू. योर थॉट प्रोसेस इज वेरी बिग, वोकैबुलरी इज गुड. द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक इन यू इज बहुत कंपोज्ड, काम एकदम. ये बहुत अच्छा एक ट्रेट है यार, दिस इज अ लर्नर्स ट्रेट, वो लोग सीखते बहुत जल्दी है. थैंक यू सो मच. I didn't know, you know, you were a rapper. Yeah. It's crazy. And today, seeing you on stage, you're 100% in your element. This is really where you belong. I think you did an incredible job. And I think that this show is for rappers like you, really. I think you're going to excel here. Thank you so much. Thank you so much. Means a lot.
So, Gaurav, meri taraf se to clear hai ki I want you on the list, man. Thank you so much. One yes, three more to go. Gaurav, meri taraf se, hi. Thank you so much. You're on the list. You are in. Thank you so much. I think you deserve to be on the top 15 list, man. Public awaaz karo. The stage of MTV Hustle is glad to have you. Salute, bhai, salute. Thank you so much, thank you so much. Welcome to the Hustle family. Kyunki apni public! Yeah, 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 yeah. तो JBL MTV Hustle पे अपना अगला कंटेस्टेंट पधारो। यो हेलो गाइस। हेलो हाय हाय भाई कैसे नेजी भाई कैसे बहुत अच्छे लग रहे हो आप रफ्तार सर न्यूक्लियर बॉस एंड द ब्यूटीफुल राजा कुमारी इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू Somebody run and tell my mummy. I saw Raja Kumari. Rapa pam pam. आपका वजन कितना है? ओ थोड़ा कम हो गया भाई. पहले बताता तो ज़्यादा अच्छा लगता सुनने में. ऐसे शगुन था 151. अभी कम हो गया. अभी मेरे को भी आइडिया नहीं कितना. तुम लग रहे भी लीन हो एकदम कम हो गया तुम्हारा. शुक्रिया शुक्रिया. बताओ अपनी कहानी बताओ. मेरा नाम हिमान है. मैं हरियाणा में पैदा हुआ राजस्थान से हूँ और जयपुर से पास में एक छोटा सा स्मॉल टाउन है. अरे सुन तो लो. तो स्मॉल टाउन है उसका नाम है कोटपुतली. वहाँ से हूँ मैं. तो फिर मैं अभी आया हूँ नया नया गेम में. अय्याश हूँ फुल बचपन से. जो चाहिए था भोलेनाथ ने दिया एक चुटकी बजा के. मैनिफेस्ट किया था जिंदगी में कभी रफ्तार भाई से मिलूं. और राजा कुमारी को एक बार मैंने मैसेज किया रिप्लाई आ गया मैं ओत्री. तो बहुत ऐसा है सीधा साधा नहीं हूं मैं. थोड़ा सा शरारती हूं. मेरी कोई ऐसी दिलचस्प कहानी नहीं है. कोई ऐसा पास नहीं. घर वाले बहुत प्यार करते हैं मेरे को और जो करना चाहता था वो करने दिया. हाँ 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 हाँ. कॉमेडी हो गई आपकी. परफॉर्मेंस स्टार्ट करो. अरे पब्लिक आवाज करो आवाज करो. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. तेरी फेमस हो गया यार मैं. मैं सुबह से ना ये बजा रहा हूँ पर आज बजाऊंगा. सर इतनी उम्मीद है मत रखो. अभी टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं. ओके लेट्स डू इट. रन द बीट. ऑफर छोड़ा प्यार बना दिया कड़ी पकोड़ा सीधे साधे बंदे को तूने बना के रख दिया रेस का घोड़ा. इससे भी तेरा दिल न भरा तू और क्या करने वाली है. वैसे ना तू बस 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है. तू बस 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है. बनने बनने वाली है मेरी बॉडी बनने वाली है. यार मेरे सब हैरत में है. रिश्तेदार भी गैरत में है. दूध वाले की लग गई लॉटरी. दुश्मन सारे दहशत में है. वैसे पंडित जी कह रहे थे तेरी मंगनी होने वाली है. है? सची? है? तो तू बस 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है. बनने बनने वाली है मेरी बॉडी बनने वाली है. 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है. बनने बनने वाली है मेरी बॉडी बनने वाली है. अर्ली इन द मॉर्निंग लगा के अलार्म बेबी बच्ची तेरे प्यार में हो गई नींदे हराम. जाके जिम डंबल खेलता हूँ. शाम को हॉकी खेलता हूँ. तुझको ना बर्बाद तेरे लिए क्या क्या झेलता हूँ. डालता हूँ ऑयली शॉयली फूड होके रूल. अब तो यारों से ये बोलता हूँ लिसन ब्रदरहुड. मेरा मूड नहीं टूट. मुझको जल्दी से ही सोना है. मॉर्निंग जिम में होना है. फिर वो कहते भाई तुझ पे हो गया जादू. तो न
सुनना है रोना है किसी बात का तो रोना है तू चाहे सलमान है पर तू कौन सी मैडोना है वैसे ना डोंट माइंड छह महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है बनने बनने वाली मेरी बॉडी बनने वाली छह महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है बनने बनने वाली मेरी बॉडी बनने वाली है और फिर बेबी देख लियो तू भी एक दिन मेरी होने वाली है पहले तो भाई मेरे बहुत कड़क है मैं पहले से इस शो में बोलता आ रहा हूँ कि आप रैप करते हो वो अपनी जगह पे है पर गाने में एक हुक होना जरूरी है किस किस को याद है कि छह महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है ये आसान नहीं होता ऐसा हुक बनाना जो इतना सिंपल हो और सबकी जुबान पे चढ़ जाए सॉलिड है आदमी मेरे को बहुत मजा आया मेरे भाई तू सॉन्ग राइटर बहुत अच्छा है तेरे को गाना बनाना आ गया कई लोगों के साथ क्या होता है उनको रैप करना आता है पर उस रैप को गाना बनाना नहीं आता तेरे को पहले वो कला आ गई कि गाना कैसे बनाना रैप करना तो बाद में देखता रही हो थैंक यू सर अब टेक्निकल बातें बीच में ऑफ बीट होते होते तू बस चलता गया वो अच्छी बात है पर बीट ऑफ हो गई थी मिस हो गई थी इससे भी तेरा दिल न भरा तू और क्या करने वाली है वैसे ना तू बस छह महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है एंड में जब तूने स्मार्ट लिरिसिज्म यूज करने की कोशिश करी यू कुड हैव सेड छह महीने रुक जा तेरी मेरी जोड़ी बनने वाली है तो बॉडी के साथ राइम हो जाता तेरा राइम कंप्लीट हो जाता ठीक है जो आपने लाइंस लिखी है गाना बहुत अच्छा है क्योंकि बेसिक जो गाने होते हैं बेसिक लाइनें होती है वो बहुत जल्दी हिट कर जाती है पर ये एक कॉम्पिटिशन है यहाँ पे हम स्किल्स ही देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि आप टेक्निकली कितने साउंड हो सो सॉन्ग राइटिंग स्किल 100% बट यूज ऑफ वर्ड्स वेरी मिनिमल लाइक यू कैन एक्सपैंड आप बहुत इसको बड़ा कर सकते हो ठीक है हाय आप कैसे हैं नहीं अभी जिंदा लग रहा हूँ उसको लगा कहेगा जैसे भी आपके अच्छा हूँ मैडम बहुत 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 सही हूँ I really enjoyed the chorus of your song because I relate with it as well. It's fun. I think it doesn't have to always be like khatarnak or like both hard everything doesn't have to be gangster it's fun and I had a lot of fun I think more than rap it's comical like it's just stand up comic rap because singing hai usme rhymes involved hai तो अच्छा है मतलब लाइट मूड के लिए और मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी वैसी है समझ रहे हो या लेकिन जैसे टेक्निकलिटीज की बात करा जाए तो उसमें बहुत काम अभी बाकी है तुमको सर मैंने बनाए थे ज्ञान पेलने वाले गाने भी बनाए थे पर ना लोग मेरे को सीरियसली ले नहीं रहे नहीं हाँ यही शॉर्ट है भाई मैंने बनाए थे तुम ज्ञान पेलने वाले गाने मैंने भी बनाए हो भाई मैं तभी तो इधर बैठा हूँ और तुमको भी ज्ञान से ही फेल रहा हूँ और थोड़ा काम करो अपनी सेहत पे सही में बॉडी बनाओ अपने गाने का असर पहले खुद पे लो और हार्ड दिख रहे तुम थैंक यू सर दिस इज द डिसीजन टाइम तो मेरी तरफ से तो सीधा सीन है यार मैं चाहता हूं कि तू लिस्ट में आए और बाकियों को परेशान करे और ये शो छह महीना तो नहीं चलेगा तेरे पास चार महीने हैं सर चार महीने में तो डॉक्टरेट ले जाऊंगा मैं रैपिंग में मेरी तरफ से हाँ है आई लव यू टू सर मेरे तरफ से भी हाँ है भाई
आप कुछ भी कहो ना सर, सब मंजूर है. I want to see more from you, so it's a yes from me. Somebody run and tell my mummy. My life is now going rapa-pampa. Thank you, ma'am. Thank you so much. एक के बाद एक अपने स्किल्स और पैशन से रैपर्स ने मचाया MTV हसल के स्टेज पर तूफान. झंडे तू बात पे जो तेरी है हो रही ना चारा तू जनता जो तक से है सो रही ना मतलब की बातें ना बातों का मतलब सब रोते का लाखों का ला तेरी रो रही. आई लाइक व्हाट यू हैव रिटन वेल. शब्द कोशिश का बहुत अच्छा है. तू मित्रों वाला बंदा तू हर हॉट एंड सन से ठंडा तू तू करे कुछ तो तू ले तू मैं करूं वही तो वो धंधा क्यों. आई थिंक यू हैव सो मच कॉन्फिडेंस एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑन द स्टेज. फैल रही देखो आज सब होने लगा राखा हकार मची आखिर मौत है. जिस तरह से तुम गा रहे थे वो भी एक प्लस पॉइंट है कि रैप करने के अलावा गा भी पा रहे हो. माँ बाप का सहारा थी भाई का वो तुतारा थी पता रही वो बन गई खुशियाँ सब दफन कही. As a woman in this industry we have to work harder, we have to be better. अभी बाकी है भाई आया आफत वापस सपने लाया क्या वापस आफत तूने रैप किया नहीं है तूने रैप जिया है. लेखकों का स्वागत है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. दे प्रूव्ड दैट द यूथ ऑफ इंडिया हैज अ वॉइस एंड नाउ द होल नेशन विल हियर इट लाउड एंड क्लियर. मेरे भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है दीपक सिंह और मेरा स्टेज नेम है MZ बेला. MZ नॉट MZ. Z Z Z. ओके आप कहाँ से आए हो भाई? देहरादून. देसी टोली. सेम सेम स्क्वाड राइट. उत्तराखंड से कितने सारे रैपर्स आए हैं लड़कियां भी आई है. मतलब उत्तराखंड का एक दिल्ली में कल्चर है बॉम्बे में कल्चर है पर उत्तराखंड में भी अपना कल्चर है. शाउट आउट सर. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कुछ अपने बारे में बताओ यार. आपकी कैसे रैप करना स्टार्ट किया अपने घर के बारे में बताओ. सर एक्चुअली मेरी मॉम जो है ना उनको कविताएं और शायरी लिखने का बहुत शौक था बचपन से. सो लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज वो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाई. उनको एक्चुअली बनना था कुछ ऐसे कविताएं करके. सो मैं उनको देख देख के बड़ा हुआ हूँ तो उनकी शायरियाँ सुन सुन के. सो मैं उनके ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूँ लेकिन मैं कवि नहीं बनना चाहता. सो मॉडर्न रैपर. क्या बात यार. जो बीट पे कविता सुना देना वही रैपर है. तो कवि तू ऑलरेडी है. रैपरों की ब्लेसिंग है कि वो साथ साथ में कवि होती है. एग्जैक्टली. हाँ तो तू कवि बना है ऐसे मत बोल कि मैं नहीं बनना. एग्जैक्टली सर वही मतलब. अच्छा क्या सुनाना चाहते हो किस बारे में? सर अभी जो मैं एक रैप सुनाऊंगा वो एक्चुअली किसी लड़की पे भी नहीं है. वो रेप एक्चुअली सर वो रेप पे भी नहीं है. वो जो दरिंदे हैं ना जो सर हमारे समाज को खा रहे हैं उनके ऊपर है. बिग अप. एक संदेश है इस देश के लिए बस और कुछ नहीं. अगर इतने बड़े स्टेज पे अगर मैं आज मैं वो बात कह जाऊंगा ना मैं यहाँ से जीतूँ ना जीतूँ सर मेरे लिए बहुत हो जाएगा. बातें बाद में करेंगे पहले फिर सीधा परफॉर्मेंस देखते हैं. बिल्कुल सर. कैन वी हैव द बीट प्लीज. ये बेला फुल पावर एमटीवी हसल उत्तराखंड से. ये मेरा एक संदेश है मेरे देश के लिए. ये फिर से एक लड़की कुर्बान किसी जाहिल से हवस की शिकार निकली कि वो घर से बाहर बिना भाई बिना माँ बिना दोस्त बिना बाप. आज फिर से वो बच के फरार गुनेगार बने अपने और बने समाचार. मेरा देश बड़ा जालिम है खोखला अंदर ही अंदर जहर की पुकार. नजरिया गंदा है लोगों का लड़की ही क्यों सारे ताने सहे किसी मुल्क चेहरा वो छुपाती और किसी मुल्क सरेआम रहे. कौन है तू कौन हूँ मैं रोकने वाला किसी भी लड़की को. हक दिया उसे उसके खुदा ने करेगी जो करना चाहती वो. समय पाबंदी है रोकते ढूंढे के घर से ना निकलो ये वक्त ना ठीक. कितनों को सूली चढ़ा दिया भारत ने पर हम इसाले निकम्मे हैं डीट. देख के कहना कहाँ को चली बेचारी वो सुनते ही रोने लगे. अपनी बहन की तो रक्षा करे पर दूसरी बहनों की जिंदगी
गिले काहे के अच्छे ये दिन जिंदगी जीती वो दिन गिन गिन पता नहीं कब कोई दानव जीने ले जिंदगी रातों की नींद जिनकी ना पहने वो आज मजे में ना डर रहे हैं उनको कुछ भी खोने का ये वक्त जो बीता है उनको पता जिन्हें अभी भी दुख बहने खोने का वो माँ की चुनरी है खाली वो बाप का खाना ना ठीक से होता जिस बाप के पैरों को छूती थी रोज उस बाप का स्वर्ग है सूना हाँ रो पड़े हैं जज्बात मेरे कोई दे सजाए मौत तो सही हर बार टूटे पायल लड़की की हर बार पहले खामोश हुई हर बार क्यों सहती है सब कुछ हर बार क्यों कहती ना कुछ भी हर बार वो रोती है चुप कर जब खामोशी बयां ना होती हर बार क्यों सहती है सब कुछ हर बार क्यों कहती ना कुछ भी हर बार वो रोती है चुप कर जब खामोशी बयां ना होती किसी की जिंदगी बर्बाद करके किसी की माँ को रुलाकर और किसी के बाप की सारी खुशियां छीन कर ना तुम्हें कुछ हासिल होगा ना तुम्हारे नसीब को अपना नजरिया बदलो दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी वरना अपने घर में झांको वहां भी एक औरत मिलेगी Man, Raja, I want you to start speaking first, man. I'm like emotional after watching you. Thank you. I think it's amazing that you're using your voice to speak about something you really truly care about, and you're making a good example for others to see. And I'm really impressed by your performance. Thank you. You're definitely a poet. I can see that that comes from your mother, and that comes from your family, and it's deeply rooted in you. Aajma khush ho jayegi. There was a line you said that like we treat our sisters really well but we don't treat others sisters. Dekh ke kehna kahan ko chali bichari wo sunte hi rone lage apni behan ki to raksha kare par dusri behno ki zindagi le. That's the one. I felt that one. Aap pe tu khada hua hai mere bhai hum logo ki koi auqat bhi nahi aaj. Tune jo bola na. Tune rula diya yaar mere ko aaj. मुझे लगता है अभी भी ये वाला जो टॉपिक है ये वाले जो रैप है इनको और सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि मैं ऐसे दो गाने निकाल चुका हूँ एक मैं स्टेज पे औरत नाम का रैप हमेशा करता आया हूँ 2012 से एक मैंने पिछले साल मंटोयत निकाला था पर अगर उनके इंडिया में हर चीज़ को ना व्यूज से तोला जाता है उसका व्यू देखा जाए और किसी नाचने वाले गाने का देखा जाए ना तो 10 गुना का फर्क होता है ब्रो बिल्कुल यही एक रीज़न था कि मैं यहाँ पे आके ये गाना गाना चाहता क्योंकि मैं जानता था इसको हर कोई देखेगा और मैं ये बात हर किसी तक पहुँचाना चाहता था और अच्छी बात यही है कि ये सब गाने और ये सब बातें ना व्यूज़ के लिए नहीं करी जाती बिल्कुल ये व्यूज़ चेंज करने के लिए करी जाती है सो व्हाट यू डिड ब्रो आई एम प्राउड ऑफ यू बहुत छोटी सी एक माइनर गलती थी उसको गलती नहीं मानते क्योंकि जो तू बोलना चाहता था वो उस वर्ड के अलावा उसके लिए और कोई वर्ड भी नहीं है तो वो चलेगा मैं पॉइंट भी नहीं करूंगा वो क्या है आपके दिमाग में इतने सब ख्याल आते हैं आपने ये मुद्दा उठाया है आज यहाँ पे खड़े होके इस चीज के बारे में बात करने का मैं जानना चाहता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप क्या गुजरा है आपकी जिंदगी में जब आपने सोचा कि मैं आज इस चीज के बारे में बात करूंगा सर सब कहते हैं कि एक मर्द के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है मेरे पीछे दो औरतों का हाथ है एक मेरी माँ और एक वो जो अब मेरे साथ नहीं है मॉम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया एक लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया इन चीज़ों के बारे में कि रैप कर तू इन चीज़ों के ऊपर रैप कर यू आर गुड इन दिस और जब मैंने ये करना शुरू किया खुद को पहचानना शुरू किया ना सर तो उसका एक्सीडेंट हो गया
I'm really sorry to hear that, man. मेरे को शब्द नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता. आपका दर्द भी महसूस नहीं कर सकता. What you have gone through is unbelievable. कितने साल थे उसके साथ? 6 साल. अच्छा, आपकी एज क्या है अभी? मेरी एज है 21. होता है, देखो ये सब नेचुरल हो जाता है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं रहता, ये तकदीर है, किस्मत है. उसे हमें बजाय नेगेटिविटी के पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहिए इन सारी चीज़ों में, कि एक रीज़न होगा, एक वजह होगा कि ऊपर वाले ने उनको जल्द बुला लिया, और कुछ अच्छा ही होगा फिर उसके बाद तुम्हारे लिए रखा हुआ जो आना बाकी है अभी. सर जहाँ भी होगी सुन रही होगी, बस इसी बात से खुश हूँ. उसने जाते जाते तुझे मजबूत बना दिया, उसने जाते जाते तुझे मजबूत बना दिया, और उसकी दीवी बातों ने तेरा वजूद बना दिया. मेरी तरफ से तू लिस्ट में ब्रो. तू अगर आज लिस्ट पे नहीं आया ना ब्रो, यस यस, तो मैं लड़ जाऊंगा. यू डिजर्व टू बी हियर, यू आर डेफिनेटली ऑन द लिस्ट फॉर मी. मैं जरूर चाहूंगा कि तुम आओ इस चीज में और लिस्ट पे रहो. थैंक यू. आई थिंक दिस इज अ यूनानिमस डिसीजन. यस यस यस. Let's go to the next person. तैयार है क्या सारे? क्योंकि पब्लिक अपनी. हिम, कैसे हो? अपुन फिर से आगे रिले क्या? अरे नेजी दबा. एक नंबर, एक नंबर. मुझे तो मेरे घर का शो लग रहा है अब. MC, Heem. Yeah. Hemant Dhyani. सबसे पहले ये क्या करता है वो जानना जरूरी है, इससे पहले कि क्यों करता है. मैं एक स्कूल है धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट, धारावी के अंदर जहां पे मैं बच्चों को रैप सिखाता हूँ. जब मैं उधर गया तो शुरू में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं करते. उनके बैड इन्फ्लुएंसेस और उनको रोकने के लिए ना उनके लिए एक डाइवर्जन क्रिएट कर दिया गया है, विच इज दिस स्कूल. बच्चों से कोई फी नहीं लेते हम लोग, इट्स फ्री है सबके लिए. एंड हम लोग चाहते हैं कि उधर से एक बच्चा निकले या दो बच्चे निकले, बट कुछ बन के निकले. Big up, big up. So basically, hip hop और उसके 5 बच्चे हैं. Hip hop जो माँ है उसके 5 बच्चे, वो सारे बच्चे वहाँ पर हैं. अब तो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं bro. Fashion बच्चे भी बहुत बढ़ गए. मेरे साथ आए आज, मिलना आपको. बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बुलाऊँ ना? बुलाओ. चलो, आ जाएगा सबके साथ, आ जाओ. So स्टार्ट करते हैं असली पॉप थोड़ी देर के लिए. 1, 2, 3, 4. सारे परेशानियों में भी एकता के साथ रहना यही तो है खासियत. अब इसके आगे क्या है कहना, सेना. एक दूसरे को समझ लेना, गलत काम बंद करने आई है हिप हॉप सेना. अकेले का सोच मत. Chotu, so cute.
किल किया भाई, किल किया, बचकाने ने किल किया। God bless you, man. God bless you. Thank you so much. एक और बात बताता हूँ, MC हीम जो है वो रहमान सर का बहुत चहेता है। कितने गाने लिखे तूने उनके लिए? 5 गाने लिखे उनके। ओह क्या बात, बहुत हाय बहुत हाय, क्या बात है, यू आर लकी एंड वी आर जेलस। अरे क्यों, अरे फेमस है मेरा भाई नेजी। सही बोलूँ ना तो मुझे बहुत दिल से खुशी हुई भाई जो तुम कर रहे हो ना। मुझे ऐसा कुछ लाइफ में हमेशा करना था, तो मैं इंटरनेट के थ्रू या मेरी कोशिश अभी तक जारी है, लेकिन तुम जो कर रहे हो ऑन ग्राउंड, सच में जाके पब्लिक के साथ मिलना और ऐसा एनवायरनमेंट बनाना और सीखना सिखाने का जो मामला है, सल्यूट है तुमको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी मैं करूँ अपना काम, मैं अपना जॉब करता, तुम लोग चलो ठीक है। ओह भमाई लोग कमती हो जाओ, क्या फुल कमती। One MC. Let's do this. Yeah. 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 बहुत कुछ मैंने देखा है, आई आई बहुत कुछ मैंने झेला है, बहुत कुछ मैंने देखा है, आई आई बहुत कुछ मैंने झेला है। मैं हारा जो तभी तो सीखा, सीखा जो तभी तो जीता, जीता हूँ अपने लिए इसलिए पन्ने करूँ काले में, तो खुद को सिखाऊँ मैं, तो खुद से लड़ा हूँ मैं, तो खुद से डरा हूँ मैं, तो खुद से लड़ता क्यों खुद का दुश्मन मैं। ये मेरी किस्मत में ना कोई किस्मत है, शायद किस्मत से यही मेरी किस्मत है, पर हिम्मत है मेरे जिगर में, मौका मिल जाए तो जीतूंगा मैं मौके पे। दो किसे करे ये जो वार है, इन्हें ना पता कि धोखा खोलता ही आँख है, चालबाज है थोड़े से तो हम भी, चोटे इतनी खाई है कि छोटा ले गम भी। बहुत कुछ मैंने देखा है, बहुत कुछ मैंने झेला है, बहुत कुछ मैंने देखा है, बहुत कुछ मैंने झेला है, बहुत कुछ मैंने देखा है, बहुत कुछ मैंने झेला है, बहुत कुछ मैंने देखा है, बहुत कुछ मैंने झेला है। What a hook! I made a little bit mistake though. Thank you. This song has a vibe, bro. मतलब जो भी तुम बोल रहे हो सब हम लोग relate कर सकते हैं उस चीज को। I really liked you in this type of record. I like the tone of your voice when you relax. I think you should definitely try to do more that. Yeah, so my next vibe. All the tracks will be in this way, where there will be the melodies. No more hardcore. I don't want to go hardcore. Sometimes. Yeah, sometime. But for me now, I want to chill. Wonderful. आप जिस तरीके से गाते हो, I really like it. मुझे बहुत मजा आता है कि जब मैं रैप और गायकी दोनों साथ में सुनता हूँ. Thank you so much. Him. Basically, तू क्या करता है, तू अपने मीटर्स में ना वो कंप्लीट नहीं करता है मीटर. ओके. तू अगली फ्रेजिंग पे भाग जाता है. तेरा वाला पढ़ के सुना देता हूँ. मैं हारा जो तभी तो सीखा, सीखो जो तभी तो जीता, जीता हूँ अपने लिए इसलिए पने करूँ काले में, तो अब देखा काले मैं तो आ गया. वो सीखा और जीता तूने मिस कर दिया. उसके इतने वेरिएशंस थे ना जो तू डाल सकता था. जीता हूँ अपने लिए इसलिए पने पे है दिल फेंका, एक और वेरिएशन. जीता हूँ अपने लिए इसलिए पन्ने पे है सब लिखा. सो ऑल यू नीड टू डू इज कंप्लीट योर स्ट्रक्चर्स ब्रो. तेरा राइमिंग अच्छी है, तेरे को बातें बतानी आती है, तेरे को जोन भी बहुत सारे आते हैं, नॉलेज है तेरे को म्यूजिक की. yes. इतना एक्सटेंसिव तरीके से. थैंक यू सो मच. डिसीजन टाइम. You are the list.
Ladies and gentlemen, MC Heat. Thank you, thank you, thank you. ऐसे बंदों से मिलके मजा आ जाता है यार, जिनकी जिंदगी में मकसद होता है। अगले पे चलेंगे पब्लिक। मेरा नाम संथानम श्रीनिवासन अय्यर है, उर्फ EPR, और मैं तमिलनाडु से हूं, लेकिन एक्चुअली मैं कलकत्ता में जन्मा हूं। 2010 में आई फॉर्म दिस बैंड कॉल्ड अंडरग्राउंड अथॉरिटी। EPR on our side, so we have won over 21 national competitions. Indian audience ne hip hop ko sirf Dharavi ya fir Mumbai pe secluded kar diya hai, so mujhe Calcutta ke liye bhi kuch karna hai, to maine straight away डिवाइन के ऊपर एक डिस निकाला। तू बिन बड़े का तू पावे, हिप हॉप का कुत्ता तुझसे छुटकारा मांगता है, इतना जो तू फेंके सोचू कैसे तुझको जेलता है। क्योंकि हिप हॉप में ऐसे होता ही है, और डिस बैटल्स होते ही होते हैं, और रैपर्स अपने आप को चैलेंज भी करते हैं। बेटा, वार्निंग नहीं दूंगा। ये कैलकटा सीन के लिए भी बहुत अच्छा होता और मुंबई सीन के लिए भी बहुत अच्छा होता, लेकिन डिवाइन ने रिप्लाई किया। बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट रैपर्स फ्रॉम द सिटी, ये मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं कोलकाता को हिप हॉप मैप ऑफ इंडिया में पुट करूं। EPR Shantanam, yep. I saw his video on YouTube. He made a diss track which was really really cool. अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर है। Solid है bro, तू। Tell us about yourself, please. First things first, I'm like a very straight heart person, so I would want you to listen to my music first. Excuse me, hello. Tumhara music sunke sab idhar baithe le. Tum kya bol rahe ho, hum log ko pehle mera music suniye. Audition ke liye aaya na idhar pe tum. Hum log sune le, tumhe ko bulaya kyu? Angry daba, angry ho gaya aaj. Shantanam, apne bare mein thoda batao humko. See, I'm a South Indian, so my Hindi is really weak. Oh my God, me too. South Indian, South Indian, South Indian. I say South Indian living in Bengal is difficult to speak in Hindi, you know, because हम लोग का जो बंगाली बीच में घुस जाती है. But then again, I try to rap in Hindi. अरे खूब भालो, जो भाषा आती है वही डालो. Thank you very much. भाई तुम languages में करते हो, और कौन सी भाषा आती है तुमको? बंगाली आती है. एक second. हाँ वही वही exactly, उसके लिए हमारे पास ना. अरे सीज़ी है ना भाई, बढ़िया beatboxers हैं. हाँ. प्रणव और नौमान, उनको बुलाते हैं क्या? अभी तक किसी ने नहीं देखा है. बुलाओ फिर. प्लीज भेज दो उनको. चलो शुरू करेंगे. यू वांट टू गिव देम अ रिदम? या व्हाट्स चेक चेक. ए ए यो, फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल, कम ऑन. आई कांट फ्री स्टाइल ओनली. I'm a freestyler. Yo, yo, freestyle, yo. Freestyle. Come I'm a lot of later, straight off to Calcutta. Now, pa yena sulla pore ni kunja kela. When I'm on the stage, da guitar and the bass, kavitella orka rhythm. You wait to close the case and turn the page. We cut the different corners of our day. Speak the different languages. We in different ways. Masala vale ko bana kam se speak ka. Namaskar, what we had to say is now namaste. Come on. भाई तुम इतना ऑफ बीट क्यों थे? मतलब तुम इतना ऑफ बीट थे इतने बीट से. I have an ear problem and I generally go for in-ears. In-ears नहीं है, so I haven't. I'm having a phase issue. भाई देखो, तुम अगर इतने सारे इश्यूज के साथ आए हो ना, तो तुमको पहले मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए था. लैंग्वेज नहीं आ रही हो, फिर यहाँ पर आके बहानेबाजी कर रहे हो. ऐसा नहीं चलने वाला है. अभी तुम न्यूक्लिया भाई, तुम ही बताओ इसको क्या करने का. इसको शांतनम, क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताएं हमें? माय होल हैज बीन 14 इयर्स ऑफ माय जर्नी इन म्यूजिक. तो बीच में एक टाइम आया था जहां पे आई गॉट लाइक अ डिजीज इन माय ईयर. सो माय इनकस वाज ईटन अप बाय अ बैक्टीरिया. बहुत ही डेडली डिजीज थी, तो माय करियर वाज एट स्टेक.
So they told me that मैं कभी भी स्टेज पे नहीं आ पाऊंगा because one ear would be deaf. I went through a modified radical mastoidectomy, which is to enforce like another bone in my ear. So a bone replacement, I had my ear cut and everything. And 3 months, the doctor said that you won't be able to hear anything. After 3 months, I kept believing in myself. मुझे वो विश्वास था कि कभी ना कभी तो माइक्रोफोन में पकड़ूंगा तो साइक्लोन आएंगे. तो the next moment I picked up the microphone, it was at Hornbill International Rock Contest in Kohima, where I won the best vocalist, best bassist, best rock band, everything. That's incredible. You see this in your monitor in this one? Yeah. इस वाले कान से मुझे सिर्फ 50% सुनाई देता है. मैंने इतना लाउड म्यूजिक सुना मेरी जिंदगी में. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, क्योंकि आपको तो सुनाई देना बंद हो गया था. और सुनाई देना बंद हो जाने के बाद बैटल जीतना, दिस इज अ जर्नी, दिस इज अनबिलीवेबल जर्नी. आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट मैन. एक काम करते हैं, आपके बारे में ना और बात तब करेंगे, पहले आपका गाना सुनते हैं, ठीक है? Drop that beat. Check it. दस साल की रंजिश खुन्ना सुनते मार्च 2019 दफ्तर में पहली मर्तबा पंजाब के चंडीगढ़ के पास खरड़ में तैना अधिकारी नेहा शौरी 6 साल की भतीजी के साथ समय बिता कहानी यहाँ सुना रही कि अचानक एक शख्स उस वक्त अंदर मुरैना का वासी बलविंदर नशीली दवाइयों का बिजनेस छापेमारी अक्सर निकलता बचकर बने नेहा के वजह से लाइसेंस वारा दरा पिस्तल में हाथ टिकर पे उंगली चिकर पे युद्ध निकल के वो जमी पे एक विवाही पे वो शहीद सासे नियंत्रण छोड़ हथियारे का आग्रह अफसोस की इस कठोर जिंदगी को तूने ईमानदारी से जी और गवाया सबके माफिक चुप न रहकर ड्रग्स माफिया के ऊपर अपना आवाज उठाया जायज है कि न्याय पथ पे चलते लोगों को अन्याय ना दबा सका साहसी तू वैसी मौके मुआ कभी ना कभी झुका तेरा सर हम सबको तुझ पे नाज है तेरे बलिदान पे इस देश का सलाम है नाज है हम सबको तुझ पे नाज है तेरे बलिदान पे इस देश का सलाम है नाज है हम सबको तुझ पे नाज है तेरे बलिदान पे इस देश का सलाम है नाज है हम सबको तुझ पे नाज है तेरे बलिदान पे इस देश का सलाम है ये नाज है हम सबको तुझ पे नाज है तेरे बलिदान पे इस देश का सलाम है सितंबर 5/2017 ऑफिस से वापस एक पत्रकार संपादक लंकेश पत्रिका हमलावर दो बाइक पे सवार 55 की गौरी उसकी आवाज दक्षिण पक्ति शक्तियों के खिलाफ साहित्यिक निर्भीकता और इंसान धार्मिक तत्वता के खुलासे में पासा से निशाने में संगठनों ने रचे साजिश वाकिफ दिन ना सिर्फ कलम को कुचलना तो विरोधी गौरी की जान को लेना अंजाम लारन बनाना की आंदा हरकतें ऐसी ना कोई करेगा पकड़े तो कुत्ते की मौत मरेगा रकम तेरा हजार परशुराम वाघ मारे षड्यंत्र प्रकारी इंजीनियर अमोल काले हथियार एक जिसने कत्ले आम दाब होलकर की उसी का इस्तेमाल कल पुर्गी की भी प्राण ली सिंह की गोलियों ने आर पार अपने घर के पास 4 धागे लगा 3 गौरी को मात के घाट उतारा जान ले विचारे बुलेट प्रूफ है तेरे कलम को देश का सलाम हमें गुरूर है नाज है हम सबको तुझ पे नाज है तेरी बलिदान पे इस देश का सलाम है नाज है हम सबको तुझ पे नाज है तेरे बलिदान पे इस देश का सलाम है रेस्ट इन पीस नेहा शौरी रेस्ट इन पीस गौरी लंकेश यू टू पीपल वेयर द ब्रेव हार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड वी विल ऑलवेज रिमेंबर Revolution will not be televised. Thank you. Big up, big up. इसके जैसा दूसरा कोई नहीं आया भाई यहाँ पे. ये अकेला ऐसा है, अकेला. I love you, man. Respect you for what you did right now. I love you, man. एक नंबर, एक नंबर. मचाए हो भाई तुमने. मेरा ओपिनियन बदल दिया तुमने. नेजी दबा को बदलना इम्पॉसिबल है. तूने कर दिया मेरे भाई. नहीं, मैं तो वहीं रहने वाला हूँ. खाली ओपिनियन बदला इसके लिए. Both hard. We go for decision time right now. जब स्टेज पे कोई आर्टिस्ट आता है ना, जब कोई रैपर आता है, तो मैं हमेशा
ये चीज देखता हूँ कि क्या ये वो बातें बोल पा रहा है जो मैं नहीं बोल पा रहा। और तेरे पिछवाड़े में इतना दम है ना कि तू वो बातें बोल रहा है जो मैं नहीं बोलता, और मैं कुछ भी बोल देता हूँ गानों में, मेरे को जिसको बोलना होता है मैं बोल देता हूँ। कहीं ना कहीं मैं सिर्फ ये चीज सोच के रुक जाता हूँ कि यार पता नहीं लोग किस तरीके से लेंगे, क्या मेरी फैमिली पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका, उनकी सेफ्टी पे, मेरा काम तो इफेक्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि रोटी भी चलानी है यार, उससे मैं लड़ाई नहीं कर सकता। पर इन सब चीज़ों को छोड़ के जो तू बातें बोल रहा है ना उसका रिस्क क्या है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि वही बाउंड्री है जिसको मैं क्रॉस नहीं करता और तू ऑलरेडी क्रॉस कर रहा है, तो मेरी तरफ से हाँ है। और ऐसा हाँ है हमारी तरफ से जो हमने बात करी है कि तू डायरेक्ट टॉप 15 में आ रहा है। टॉप 15 EPR के लिए आवाज करो पब्लिक। और थैंक यू। स्वागत है शब्दों में ताकत है। और मैंने अभी तक अभी से पहले किसी को ये बोला नहीं, ना किसी शो पे ना किसी स्टेज पे, आज तक ऐसे फालतू प्रॉमिसेस मैं करता नहीं। जैसे ये शो खत्म होगा ना भाई, तू और मैं साथ गाना कर रहे हैं। Thank you for opening me up. Raftaar, वो स्पॉट मैंने ले लिया क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी मैसेज भेज दिया। मैं बिल्कुल सीधे तरीके से ये बात बोलूंगा कि आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि रैप सिर्फ गानों के बीच में आने वाली 16 लाइनें नहीं है, अब रैप एक रेवोल्यूशन है। इस सफर में इतना मजा आने वाला है, पर उससे पहले मुझे पता है मैं बहुत प्रेशर है, पर ये प्रेशर का ही तो मजा है। हल्का काम करने हम यहाँ पे आए नहीं है, बिकॉज दिस इज JBL MTV Our judges have a lot of work to do now. Competition itna tough tha, our judges now have the difficult task of picking India's top 15. Hamare wo top 15 kaun hai, jo gala rounds mein enter karenge, hame pata chalega next week on JBL Presents MTV Hustle. India's first rap talent show, are you listening? That's right, stay tuned, judges! तेरे शब्दों से मिल जाती तुझे को ताकत है। हिप हॉप की चाहत है तो शब्दों के खेल में आके स्वागत है।